तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम रीजनिंग की क्लासेस देखेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, और पहले टॉपिक की पहली क्लास है, तो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। अब इस ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पर हमको जेंडर का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पर हमको जेनरेशन का नॉलेज होना चाहिए, और हमको फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। तो हम अपनी इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी लेकर चलेंगे। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले जानते हैं जेंडर के बारे में। ठीक है, जेंडर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लिंग। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, वहाँ दो से ज़्यादा लिंग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो यहाँ पर रीजनिंग में हमको जो जेंडर देखने को मिलते हैं, वो केवल दो दिखते हैं। एक तो हमको दिखता है फीमेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महिला, और दूसरा हमको देखने को मिलता है मेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुष। और आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पर प्रश्न में किसी का जेंडर अगर डिफाइन नहीं कर रखा है, तो हम उसके नाम से कभी भी उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर कहीं पर प्रश्न में राम दिया हुआ है या लता लिख रखा है, तो हम इस राम जो हमको नाम दे रखा है, हम इससे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये पक्का मेल होगा, जब तक ये ना कहा जाए कि राम फलाने का पिता है, राम फलाने का बेटा है। ऐसे ही लता के केस में हम कभी भी इसको फीमेल कंसिडर नहीं करेंगे। कब तक, जब तक प्रश्न में ना दिया हो कि यह एक फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लता सीमा की बेटी है, लता सीमा की दादी है, इस तरीके से। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है जेंडर का, उसमें हमको प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है, प्रश्न की लेंथ छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। अब हम उस प्रश्न को कम समय में कैसे सॉल्व करें, उसी के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमको पुरुष या मेल दिया होगा, हम उसको हमेशा दर्शाएंगे ट्राइंगल से, यानी कि हम मेल को डिनोट करेंगे ट्राइंगल से। और जहाँ पर भी प्रश्न में महिला का जिक्र, यानी कि फीमेल का जिक्र होगा, वहाँ पर हम उसे दर्शाएंगे एक वृत्त से, यानी कि एक सर्कल से। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं जनरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरेशन को समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेंगे खुद से, खुद से ही हम जनरेशन शुरू करेंगे। और प्रश्न जहाँ तक देखने को मिलते हैं, वो तीन जनरेशन या चार जनरेशन, यानी कि तीन या चार पीढ़ी तक आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जनरेशन, यानी कि हिंदी में जिसे बोलते हैं हम पीढ़ी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग समझ लेना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। यानी कि नंबरिंग का मतलब क्या है कि ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी है। अब ये पीढ़ी वाइज हम समझते हैं कि कौन सी पीढ़ी कौन सी है। ठीक है, अब हम अपने से समझेंगे। सबसे पहले मैं, यानी कि आई। ठीक, अब जिस जनरेशन में मैं रहूँगा, उसी जनरेशन में मेरी बहन होगी, उसी जनरेशन में मेरी पत्नी होगी, उसी जनरेशन में मेरा भाई होगा, उसी जनरेशन में मेरा ममेरा भाई होगा। इंग्लिश में कहें तो मेरे इसी जनरेशन में मेरे कज़न होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाऊं, तो यहाँ कौन होंगे, यहाँ मेरे पिता होंगे, यहाँ मेरी माता होगी, यहाँ मेरे चाचा होंगे, ऐसे ही यहाँ मेरी चाची होगी, ऐसे ही मेरे यहाँ मामा होंगे, ऐसे ही यहाँ मेरी मामी होगी, ऐसे ही यहाँ मेरी बुआ होगी, ऐसे ही यहाँ मेरे फूफा होंगे। तो ये हुई सेकेंड जनरेशन। इंग्लिश में अगर बात करें तो फादर यहाँ होंगी, फादर यहाँ होंगे, मदर यहाँ होगी, अंकल यहाँ होंगे, आंट यहाँ होगी, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, सब इसी में होंगे। अब हम इनके भी एक पीढ़ी ऊपर जाएं, यहाँ कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हमारे कौन होंगे, दादा होंगे, दादी होगी, नाना होंगे, नानी होंगी। ठीक है,
अब देखो इंग्लिश में ही इस बात को समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, और यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड फादर है और मैटरनल ग्रैंड मदर है। अब हम अगर इससे एक पीढ़ी और ऊपर जाएं तो बताओ यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर होंगे हमारे परदादा, ऐसे ही परदादी, ऐसे ही यहाँ पर परनाना और परनानी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर और इनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, और ऐसे ही ग्रेट मैटरनल ग्रैंड फादर, ऐसे ही परनानी के किस्म होगा। अब हम इसके बाद जो स्टेप सीखने जा रहे हैं वो है फैमिली ट्री का। देखो हम अपने जितने भी जो क्वेश्चन हैं, भले ही वो बेसिक लेवल है, भले ही वो मॉडरेट लेवल है, भले ही वो टफ लेवल है, हम उन सब को सॉल्व कर लेंगे इस फैमिली ट्री से। फैमिली ट्री मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपने करना है। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन जहाँ हम फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा है ए बी का भाई है, ऐसे ही मैं इंग्लिश में लिखूँगा ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। सबसे पहले हम जेंडर देखेंगे, किसका जेंडर दे रखा है। अब प्रश्न को पढ़ो, हम हिंदी में समझते हैं उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, ए बी का भाई है, किसका भाई, कौन है, ए भाई है किसका, बी का, और भाई की अगर बात हो रही है तो वो किस पीढ़ी में होंगे, एक ही पीढ़ी में होंगे, यानी कि एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, ये तो हमको पता लग गया कि एक ही लाइन में होंगे, और हमने प्रश्न पढ़ते ही ये नोटिस कर लिया था कि ए भाई है किसका, बी का, और मैंने पहले ही कहा था पुरुष को हम किससे डिनोट करेंगे, ट्राइंगल से डिनोट करेंगे, तो हम इस ए को डाल देंगे ट्राइंगल में। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत बेसिक। अब हम इसी पर दो चार क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम जो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए बी की बहन है, इंग्लिश में लिख देते हैं ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, पहले आप प्रश्न पढ़ो और समझो कौन किसकी बहन है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि इन दोनों में कौन किसकी बहन है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, क्या पता लग रहा है, ए बहन है किसकी, बी की, यही बात इंग्लिश में करें, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए सिस्टर है, ए को हम रखेंगे सर्कल में, यहाँ बना के देखें, यहाँ बना के देखते हैं। ठीक है, और बहन है, सिस्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये होंगे एक जनरेशन में। ठीक है, एक लाइन में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एक लाइन में रखेंगे, और ए सिस्टर है किसकी, बी की, तो ए को डाल देंगे हम सर्कल में। ठीक है, अभी ये फैमिली ट्री बनाने की बात चल रही है, आपको बहुत बेसिक चीज़ें लगेंगी, और जब हम इस ट्रिक को, इस फैमिली ट्री वाले मेथड को जब हम बड़े क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको इसका इम्पोर्टेंस पता लगेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी का पिता है, इंग्लिश वाले समझ जाओ, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये एक जनरेशन का है या दो जनरेशन का है या तीन जनरेशन का है। अब मुझे बताओ ए बी का पिता है, यानी कि बेटे और बाप की बातें हो रही हैं या बेटी और बाप की बातें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जनरेशन आएंगी, एक जनरेशन होगी नीचे, एक जनरेशन होगी ऊपर। अब कौन ऊपर होगा, पिताजी ऊपर होंगे। ठीक है, हम तो यहाँ होंगे भाई, हमारे पिताजी यहाँ होंगे। अब हमको यही पता करना है कि कौन पिता है और कौन दूसरा इंसान है जिसके वो पिता हैं। अब देखो ए बी का पिता है, यानी कि पिता कौन है, ए, और पिता कौन होता है, मेल या पुरुष,
तो हम ए को रखेंगे ट्राइंगल में। अब पिताजी हैं तो पिताजी कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, तो ए हमने ऊपर रखे ट्राइंगल में और बी हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही बात करते हैं, दूसरे को समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी की माता है। ठीक है, देखो इसमें हमको पढ़ने से पता लग रहा है ए किसकी माता है, बी की, तो हमको पता है ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, और ए क्या है, माता है, तो हम ए को क्या डाल देंगे, सर्कल में डाल देंगे। बहुत सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है ए बी का भाई है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, और साथ ही आप अपना आंसर जो है वो कमेंट में दे दो। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से इसको बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं इसका जो फैमिली ट्री है वो क्या बनेगा। ठीक है, देखो ए बी का भाई है, यानी कि भाई की अगर बात हो रही है तो एक जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो कौन किसका भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है किसका, बी का, तो हम ए को डाल देंगे ट्राइंगल में। अब हम यहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं, क्या मैं इस बी को ट्राइंगल में डाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि प्रश्न में ये दिया ही नहीं गया है कि बी ए की बहन है या बी का भाई है। अगर ये प्रश्न में ऐसा कह देता कि बी ए की बहन है, ठीक है, इसके बाद ये सेंटेंस अगर प्रश्न में लिखा होता ए बी का भाई है, यानी कि ए को हमने डाला ट्राइंगल में बी का भाई बनाने के लिए, अब प्रश्न में आगे जोड़ दिया है कि बी ए की बहन है, और मैंने बोला था कि फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे, अब बहन की बात हो गई तो हम बी को किस में डाल देंगे, सर्कल में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, अब हम यहाँ पर हल्का सा चेंज करने जा रहे हैं। देखो प्रश्न में मैंने हल्का सा चेंज किया और यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, इसीलिए इसको चेंज किया गया है। ठीक है, ये था ए बी का भाई है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, ए बी का पति है। ठीक है, पति मतलब शादी हो रखी है, तो हम जहाँ पर भी शादी वाला संबंध आएगा, मैरिड कपल्स आएंगे, हम उनको प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, शादी होगी तो हम उनको आपस में जोड़ देंगे, प्लस मतलब जोड़ना। अब देखो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, देखो ए बी का पति है, यानी कि एक ही जनरेशन में होंगे, क्योंकि पति पत्नी क्या होते हैं, एक जनरेशन में होते हैं। ठीक है, अब पति कौन है, ए बी का पति है, यानी कि ए पति है किसका, बी का, और मैंने बोला था कि हम शादी वाले रिलेशन को क्या करेंगे, प्लस से दिखाएंगे। अब देखो क्या मैं यहाँ पर बी को सर्कल में डाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं बी को सर्कल में डाल सकता हूँ, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि पति की अगर मतलब किसी लड़के की अगर शादी हुई है तो किसके साथ होगी, लड़की के साथ होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए अगर बी का पति है तो बी क्या है, एक पत्नी है, तो इसका मतलब बी मेरी किस में आ जाएगी, सर्कल में आ जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब हमने जो अभी तक सीख रखा है उसी को हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रखा होगा, उस प्रश्न को जो हमने पिछले 10 से 15 मिनट में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के आधार पर हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं उस प्रश्न को खुद से हल करने का, वरना मैं आपको प्रश्न सीधे सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहली लाइन क्या, हम इसको हिंदी में पढ़ के सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा क्वेश्चन जब फैमिली ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में लिखा है कि ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है किसकी, बी पुत्री है, तो दो जनरेशन में आएगा। ठीक है, ए पुत्री है किसकी पुत्री है भाई, बी की, ए चूंकि पुत्री थी इसलिए मैंने इसको सर्कल में डाला। ठीक है, अगली लाइन लिख रखी है कि बी क्या है, सी की माता है, अब बी की बात हो गई है, माता है, तो बी क्या आ जाएगी, सर्कल में आ जाएगी, और किसकी माता है, सी की माता है, यानी कि इसका बेटा या बेटी जो है सी है वो नीचे है, क्योंकि बेटा बेटी नीचे जनरेशन में ही होगा। उसके बाद बोला है कि डी सी का भाई है, अब सी का एक भाई है, कौन है,
डी है, भाई है तो मैं इसको डाल दूंगा ट्राइंगल में। अब प्रश्न पूछा गया है कि डी का बताओ भाई ऐसे क्या संबंध है। अब बताओ डी पुरुष है, डी की माता भी वही है बी, ए की माता भी वही बी है, तो डी ए का क्या हुआ? आप बोलोगे भाई हुआ, इंग्लिश में बोलोगे ब्रदर हुआ। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या मैं इस सी का कोई जेंडर डिसाइड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको सर्कल में डाल दूँ? क्या मैं इसको ट्रायंगल में डाल दूँ? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया है कि सी इनकी बहन है या सी इनका भाई है, इसलिए इसका हम लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अब इसी फैमिली ट्री पर आधारित हम हमसे अगर कुछ और प्रश्न पूछ लेता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये सीखते हैं। ठीक है, देखो जैसे प्रश्न दे देता हूँ, बी का सी से क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है? बी क्या है? ए की माता है, और जो सी है वो या तो ए का भाई है या सी ए की बहन है, तो जो ए की माता है वही तो सी की माता भी होगी, इसलिए क्या है बी का सी से क्या संबंध है? माता का संबंध है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न रखा हुआ है, इसे आप खुद से बनाने की कोशिश करो, एक बार वीडियो पॉज करो और इसका आंसर क्या हो सकता है खुद से सोचो, और हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पी क्यू का भाई है। देखो पी अगर क्यू का भाई है तो क्या होगा, एक जनरेशन में होगा, यानी कि पी भाई है, भाई है तो ट्राइंगल में, किसका भाई है? क्यू का, हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसने अगली लाइन क्या बोली है? अगली लाइन उसने बोली है कि आर क्यू की माता है, आर माता है किसकी? क्यू की, यानी कि पी और क्यू की माता कौन है? आर है, ये आ जाएगी सर्कल में। ठीक है, फिर उसने अगली लाइन बोली है कि एस आर का पिता है, यानी कि इसका कोई पिता है, उसका नाम क्या है? एस, और पिता है तो हम डाल देंगे ट्राइंगल में। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन क्या बोली है? टी एस की माता है, यानी कि एस की कोई माता है जिसका नाम टी है। अब बताओ माता है तो मैं इसको किस में डालूँ? सर्कल में डाल दूंगा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, पी का टी से क्या संबंध है? अब बताओ पी क्या है? पुरुष है, और ये कहीं कौन सी पीढ़ी में आ रहा है इसके? ये एक, ये दो और ये तीन। इस पीढ़ी में इसका बेटा बेटी होगी, इस पीढ़ी में इसका पोता पोती होगी, और इस पीढ़ी में इसका कौन होगा, पर पोता या पर पोती होगी, और ये पुरुष है तो डेफिनेट सी बात है ये इसका कौन होगा? पर पोता होगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है ए बी की बहन है। ठीक है, ए बहन है किसकी? बी की, तो ए की जनरेशन में होंगे, और ए के बारे में बोला था कि ए बहन है बी की, तो हम एक सर्कल में डाल देंगे। अब लिख रखा है कि बी सी का भाई है, बी सी का भाई है तो ए की जनरेशन में होगा, और बी भाई है तो बी को हम ट्राइंगल में डालेंगे और सी आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर बोला है कि सी डी का बेटा है। अब सी बेटा है किसका? डी का, यानी कि इनका या तो माता या पिता कौन है? डी है, और सी बेटा है तो सी को भी हम किस में डाल देंगे? ट्राइंगल में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि डी का ए से क्या संबंध है? बताओ क्या हो सकता है, डी का ए से क्या संबंध होगा? क्या मैं इसको पापा बोल दूं? क्या मैं इसको माता बोल दूं? बताओ क्या बोलूं मैं इसे? तो मैं सिंपली कहूंगा या तो पापा है और या तो माता है। क्यों? क्योंकि इस डी के बारे में प्रश्न दिया ही नहीं, प्रश्न में कुछ दिया ही नहीं गया है कि डी फीमेल है या मेल है। अगर प्रश्न में कहीं पर ये जिक्र किया होता कि डी फीमेल है तो तब तो ये इनकी माता होती, और अगर प्रश्न में इसके बारे में अगर दिया होता कि ये पुरुष है तब तो ये इनका पिता होता। अब प्रश्न में अगर इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, या तो डी पिता है या डी माता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि फैमिली ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे,
और अगली वीडियो में हम इससे कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।